हेलो बच्चों, आज मैं आपको सिखाऊंगी कि ए और ए की मात्रा में क्या अंतर होता है। बहुत से बच्चे इन दोनों मात्रा में कंफ्यूज होते हैं कि कौन से शब्द में ए की मात्रा लगेगी और कौन से शब्द में ए की मात्रा लगेगी। बच्चों, यह है ए की मात्रा और यह है ए की मात्रा। ए और ए की मात्रा हमेशा व्यंजन के ऊपर लगाई जाती है। ए की मात्रा में व्यंजन के ऊपर एक मात्रा लगाई जाती है और ए की मात्रा में व्यंजन के ऊपर दो मात्रा लगाई जाती है। ए और ए की मात्रा का साउंड कैसा होता है वो देखेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखूँगी क। अब इसे मैंने एक ही मात्रा लगाई तो ये हो जाएगा के। अब यहाँ पर मैंने लिखा है क। अब इसे मैंने ए की मात्रा लगाई तो ये हो जाएगा के। अब यह है म। म को एक ही मात्रा लगेगी तो हो जाएगा मैं। अब यहाँ पर मैं म को ए की मात्रा लगाऊंगी, मतलब दो मात्रा लगाऊंगी तो हो जाएगा मैं। ऐसे ही यहाँ पर यह है न। न को एक ही मात्रा लगेगी तो हो जाएगा ने। और न को ए की मात्रा लगेगी तो हो जाएगा नए। ए की मात्रा हमेशा धीमे स्वर में बोली जाती है और ए की मात्रा जोर से बोली जाती है। बच्चों, अब हम ए और ए की मात्रा के शब्द देखेंगे। यहाँ पर मैंने लिखा है ब, उसे ए की मात्रा लगी तो हो गया बे। ल, बेल। और यहाँ पर मैंने ब को ए की मात्रा लगाई, मतलब दो मात्रा लगाई तो हो गया बे। ल, बेल। अब ये बेल मतलब पत्तों की बेल होती है वो बेल, और ये बैल मतलब जानवर। अब यहाँ पर मैंने लिखा है ब, उसे ए की मात्रा लगी तो हो जाएगा बे। र, बेर। बेर मतलब फल, फ्रूट। अब यहाँ पर मैंने ब लिखा, उसे ए की मात्रा लगाई तो हो गया बे। र, बैर। बैर मतलब किसी से दुश्मनी रखना, बैर रखना, नफरत करना। बैर मतलब नफरत, ये बैर मतलब फ्रूट, फल, ये बैर मतलब नफरत। अब बच्चों, यहाँ पर मैंने लिखा है म, उसे ए की मात्रा लगाई तो हो गया मैं। ल, मेल। मेल मतलब मिलना। अब यहाँ पर मैंने लिखा म, उसे ए की मात्रा लगी तो हो गया मैं। ल, मैल। ये मैल मतलब गंदगी। अब ये है ह, उस पर मैंने एक ही मात्रा लगाई तो ये हो गया है। और ये है ह, उसको मैंने ए की मात्रा लगाई तो हो गया है। अब ये है मतलब जैसे हम बोलते ना हे भगवान, वहाँ पर है यूज होता है। और ये है मतलब जैसे मेरे पास पेंसिल है, मेरे पास लैपटॉप है। ये है मतलब होना। ये है च, इसे मैंने एक ही मात्रा लगाई तो हो गया छे। न, चैन। ये चैन मतलब हम गले में चैन पहनते हैं वो। अब यहाँ पर मैंने लिखा च, उसे ए की मात्रा लगाई तो होगा चै। न, ये चैन मतलब सुख, चैन, सुख जो होता है वो।
इसीलिए बच्चों जब भी आप मात्राएं लगाएं तो पहले उसका उच्चारण करके देखें। अगर आप उसका उच्चारण गलत करेंगे तो वो गलत लिखी जाएगी, और अगर उसका उच्चारण सही करते हैं तो वो सही प्रकार से लिख सकते हैं। हम एक बार फिर से ये पढ़कर देखते हैं। बे ल बेल, बे ल बेल, बे र बेर, बे र बेर, मे ल मेल, मे ल मेल, हे है, चे न चैन, चे न चैन। थैंक यू।